नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों, लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो और एक और नई ट्रेन जर्नी। और मैं निकल पड़ा हूं न्यू दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए। और नैनीताल जाने के लिए इस बार मैं लेने वाला हूँ ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन नंबर है 12040 शताब्दी एक्सप्रेस, जो चलती है न्यू दिल्ली से और काठगोदाम तक। तो यह ट्रेन सुबह दिल्ली से 6:20 पर चलती है और टोटल 7 जगह ये रुकती है, जिसमें से 4 जगह ये रुकती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये रुकती है गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर। और उत्तराखंड में ये रुकती है 3 जगह, रुद्रपुर सिटी, लाल कुआं, हल्द्वानी, और फाइनली जाके टर्मिनेट होती है काठगोदाम में 11:55 पर। और भाई, ये सामने आ गई है मेरी ट्रेन। इस पे लिखा हुआ होगा न्यू दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस 12040। दोस्तों, मैंने जो अपनी टिकट बुक कराई है वो चेयर कार में टिकट बुक कराई है, जिसका प्राइस है ₹850। और अगर आप ईसी क्लास में सफ़र करना चाहते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में, तो आपको पे करने पड़ेंगे ₹1320। दोस्तों, ईसी क्लास में आपको मिल जाता है एक फुटरेस्ट, जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, जिसमें आप अपने यहाँ पे वाटर बॉटल रख सकते हैं, एक मिल जाती है आपको यहाँ पे ट्रे, और इस ट्रे पे आप अपना लैपटॉप रखकर काम कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट जो सर्व होता है इसी पे रख के खा सकते हैं, और लंच वगैरह भी इसी पे रख के खा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ बंद और मैं भाई वेट कर रहा हूँ कब ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होने वाली है। यहाँ पे आ जाता है एक हैंड रेस्ट, आप इस हैंड रेस्ट को ऊपर नहीं कर सकते हैं, और सामने मिल जाती है आपको ये नेट, यहाँ पर आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सामान रख के आप भूल ना जाएं। और सुबह जो शताब्दी और वंदे भारत चलती हैं, उसमें आपको न्यूज़पेपर दिया जाता है पढ़ने के लिए। दोस्तों, टाइम हो गया 6:20 और ये टाइम है शताब्दी एक्सप्रेस का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलने का, और चल पड़ती है अपने गंतव्य की ओर, जो होने वाला है काठगोदाम। 11:55 पर उधर पहुंचने का टाइम है। और अभी मैंने यहाँ पर देखिए ये ना जीपीएस लगा दिया है, इसमें आपको सारी स्थिति पता लग जाएगी भाई, कितने किलोमीटर ये गाड़ी चली है, कितनी स्पीड से चली है, एवरेज स्पीड कितनी आई है, और डिस्टेंस इतने कितना कवर किया है। तो जस्ट अभी मैंने ये स्टार्ट किया है, अभी जो स्पीड आ रही है यहाँ पे 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, और डिस्टेंस जो कवर किया है 0.1617। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही करा है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन निकल रहा है, अभी पास ही हो रहा है, तो प्लेटफॉर्म अभी क्रॉस किया है। दोस्तों, जैसे मैं यमुना का ब्रिज क्रॉस करता हूँ, ट्रेन पहुंच जाती है भाई अपने परमिसेबल लिमिट पर, 110 की स्पीड से भाग रही है अभी, और एवरेज स्पीड निकल के आई है इसकी 43 की। दोस्तों, अभी मैं पहुंच जाता हूं गाजियाबाद जंक्शन। गाजियाबाद जंक्शन का स्टेशन कोड है GZB, और गाजियाबाद स्टेशन पहुंचने का टाइम है इसका 6:53। और भाई, ये थोड़ा जल्दी पहुंच जाती है, 6:50 के आसपास गाजियाबाद जंक्शन ये पहुंच जाती है, मतलब बिफोर टाइम हम गाजियाबाद पहुंच जाते हैं। दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचने के लिए मैंने ट्रैवल किया है 27 मिनट का, एवरेज स्पीड निकल के आई है भाई 50 किलोमीटर, डिस्टेंस 24 किलोमीटर के आसपास आप मान सकते हो होने वाला है 24 किलोमीटर, और एक बार टच किया है गाड़ी ने 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक बार टच करी है। और भाई, ये है गाजियाबाद जंक्शन। गाजियाबाद जंक्शन के जैसे ही आप निकलते हो, आपको सर्व कर दिया जाता है टिकट, इसमें आपको चाय बनाने की सारा मटेरियल होगा, और साथ में मिल जाता है ये मैरी गोल्ड का एक क्लासिक बिस्किट। और प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है भाई ₹3, मतलब इसमें 2 बिस्किट निकलते हैं, ₹1.50 का एक बिस्किट, मतलब ₹3 के दोनों बिस्किट हो जाते हैं। और क्या मिल जाता है भाई साथ में, और मिल जाता है आपको एक गर्म पानी सर्व कर दिया जाता है, और टी किट में मिल जाता है आपको एक शुगर सैशे, और मिल जाता है एक ये क्रीमर, और उसी के साथ आपको मिलता है एक ये टी बैग, वाघ बकरी चाय का टी बैग, और स्टीयर करने के लिए मिल जाती है एक ये वुडन स्टिक। चलो भाई, चाय बन के तैयार हो गई है, और इसको स्टीयर करते हैं और टेस्ट करते हैं भाई कैसी बनी है चाय।
दोस्तों टाइम हो गया 7:45 और ये टाइम हो जाता है भाई शताब्दी ट्रेन में ब्रेकफास्ट सर्व करने का। दोस्तों ब्रेकफास्ट में मिल जाता है आपको ब्रेड रोल और उसमें थोड़ी सी वेजीज डली हुई हैं, उसके साथ ही मिल जाता है आपको 2 ब्रेड की स्लाइस और बटर साथ में और 1 मैंगो जूस और ये साथ में मिल जाता है भाई अनोखी सी चीज़ इनो की च्यू टैबलेट्स हैं ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट करने के लिए साथ में देता है रेलवेज। दोस्तों टाइम हुआ है 8:51 और इसी टाइम पे मैं स्पॉट करता हूँ भाई एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन, ये है इंडियन आर्मी की ट्रेन और इसी में सारे कैडेट्स और जवान इधर से उधर जाते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने 2 घंटे और 30 मिनट की जर्नी करी है जिसमें एवरेज स्पीड निकल के आई है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल डिस्टेंस अभी तक मैंने कवर किया है 163 किलोमीटर का और जिसमें से एक बार ट्रेन ने हिट करी है 123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दोस्तों 9 बजे ट्रेन पहुंच जाती है रामपुर जंक्शन और रामपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है RMU। दोस्तों अभी मैंने क्रॉस किया है बिलासपुर रोड का स्टेशन और ट्रेन 7 मिनट की देरी से चल रही है। नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है वो रुद्रपुर सिटी आने वाला है, उसके लिए भी 5 मिनट की देरी से दिखा रहा है रेलवे का जो आधिकारिक ऐप है। दोस्तों टाइम हो गया 10:45 और भाई मैं पहुंच चुका हूँ लाल कुआं जंक्शन और भाई ये खड़ी मेरी ट्रेन और दोस्तों सबसे लास्ट सेकंड लास्ट डब्बा है भाई, पूरी ट्रेन यहाँ पे खत्म हो गई है। दोस्तों इस टाइम पे मैं पहुंच चुका हूं हल्द्वानी और हल्द्वानी का स्टेशन कोड है HDW और यहां पे जो ट्रेन का स्टॉपेज है केवल 2 मिनट का है और भाई नज़ारे देखो यार बाहर से ना क्या बढ़िया नज़ारे लग रहे हैं यार, स्टेशन के बाद एक नदी पहाड़ी पहाड़। भाई जी टाइम हुआ है 11:24 और खड़ी है भाई मेरी ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 हल्द्वानी में और इसके बाद सीधे रुकेगी काठगोदाम और इधर 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम है लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इधर आगे जाके ना सिंगल लाइन है तो सामने से ट्रेन आ रही है, जब तक वो पास नहीं होगी ये ट्रेन नहीं जाएगी। तो दोस्तों वो ट्रेन आई है काठगोदाम से लखनऊ जाएगी, वो ट्रेन उसी ट्रेन का वेट हो रहा था, पास नहीं हो पा रही थी, आगे सिंगल लाइन है तो जब तक आगे वाली ट्रेन नहीं जाएगी तो ये वाली ट्रेन नहीं पहुँचेगी काठगोदाम। अब वो वाली ट्रेन आ चुकी है, सिग्नल मिलेगा तब अपनी ट्रेन चलेगी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, केवल 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम था यहाँ पे और 11:31 हो गए हैं। दोस्तों पहुंच चुका हूं इस ट्रेन के अंतिम स्टेशन पर काठगोदाम रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है KGM। 11:55 का टाइम है भाई यहां पे पहुंचने का लेकिन ये बहुत जल्दी पहुंच गई है। तो मैं बता देता हूं आपको मैंने पूरा ट्रैवल किया है 5:24 का जिसमें 280 किलोमीटर मैंने ट्रैवल करे हैं एवरेज स्पीड निकल के आई है 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और मैक्सिमम स्पीड निकल के आई है 123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक बार टच की है गाड़ी ने। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना और मैं मिलता हूं आपको नैनीताल ट्रिप की एक बहुत बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।